गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमटी यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फॉर बीबीए सेकेंड ईयर, और जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इस क्लास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज द रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली आपके जो यूनिट में हमने जो स्टार्टअप किया है द टॉपिक इज एचआर रोल्स एंड पॉलिसीज, तो उसको हम बाइफर्केट करके ही पढ़ेंगे। फर्स्टली इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द एचआर रोल, ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉय है कंपनी का, द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आज इस क्लास में हम समझेंगे। और उसी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कंटेंट में हम कवर कर सकें द पॉलिसीज रिलेटेड टू एचआर। तो आज के इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं रोल्स ऑफ एचआर, एंड आफ्टर दैट वी कंटिन्यू विद द पॉलिसीज रिलेटेड टू एचआर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ कि कंटेंट को समझने के लिए बच्चे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चले। नोट्स को फॉलो करने के लिए वीडियो के लिंक में इस कंटेंट के सब नोट्स अटैच हैं, जिनको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑडिबिलिटी इशू है आपको तो आप वीडियो को ईयरफोन्स के साथ लें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया बीबीए सेकेंड ईयर में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज के रोल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज द पीपल द एम्प्लॉय दैट आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग पीपल एंड वर्क। तो ये जो पीपल की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं, वर्क फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंपनी के रोल्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयज का एंड वर्क फोर्स का इन लोगों का क्या रोल है। द रोल्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर आर सो कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस, एचआर एंड वैल्यू इन दीज प्रैक्टिसेस रोल्स आर रियलाइज। यहां पर आज हम रोल्स की बात करते हैं, इनको अगर हम कहें सीधे शब्दों में तो दीज आर सो कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स द्वारा जो हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो इस तरह के रोल्स के द्वारा ही हो पाएगी। अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को इफेक्टिव तरीके से वर्क प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहता है तो ये सब रोल्स वहां के एम्प्लॉयज को, वहां के वर्क फोर्स को समझने होंगे, जिससे कि दे कैन परफॉर्म हाई परफॉर्म वर्क प्रैक्टिसेस। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के, एम्प्लॉयज के, स्टाफ के, वर्क फोर्स के रोल्स को समझते हैं, जिससे कि अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी इजीली अचीव हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हायरिंग फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड। सबसे पहला जो रोल है ह्यूमन रिसोर्स का वो है हायरिंग फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। हायरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, रिक्रूटिंग। व्हेन वी रिक्रूट द पीपल वी एक्वायर द वर्क फोर्स, तो वी कैन हायर देम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड। मतलब हायरिंग इज वन ऑफ द की ह्यूमन रिसोर्स रोल, एंड इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट बिटवीन हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्सेस हायरिंग फ्रॉम इनसाइड। दो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड स्मार्ट सक्सेशन प्लानिंग कंपनीज कैन क्रिएट टैलेंटेड पाइपलाइन। इंटरनल हायरिंग इज प्रिफर्ड एज इट एनेबल्स अ कंपनी टू फिल जॉब विद इंटरनल टैलेंट दैट ऑलरेडी नोज द कंपनी एंड इज ऑलरेडी फॉर अ चैलेंज। अ लॉट ऑफ कंपनीज इंप्रूव देयर इंटरनल हायरिंग प्रैक्टिसेस। इफ द राइट टैलेंट इज नॉट अवेलेबल इंटरनली एचआर नीड्स टू हायर एक्सटर्नल टैलेंट। भाई बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि हायरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रोल। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो कंपनीज हैं वो सबसे पहले तो यही कोशिश करती है कि वो अपनी इंटरनल पाइपलाइन को स्ट्रांग करें। जब वो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कर रही है, उन्हें डेवलप कर रही है, उनको ऑलरेडी पता है किस टाइप का टैलेंट उनकी ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को फेस कर सकता है, तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि कंपनी अपनी सक्सेशन प्लानिंग से, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से उसको डेवलपमेंट करके उसकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, कंपनी में जो जॉब फिलिंग गैप है उसको इंटरनल स्टाफ से ही भरने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं हायरिंग फ्रॉम इनसाइड। ऑलरेडी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको डेवलप करके, उनको ट्रेन करके आप उनको बेसिकली हायर कर देते हैं कंपनी के एक्स्ट्रा चैलेंजेस को मीट करने के लिए। इसे कहते हैं हायरिंग फ्रॉम इनसाइड, जिसमें कंपनी श्योर रहती है कि यस आई नो दिस एम्प्लॉय इज रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंज।
आपको उनकी कैपेबिलिटी उनकी स्किल्स का हाई का पहले से होता है, इसलिए हायरिंग इनसाइड करनी। अब हम बात करते हैं हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि जिस तरह का टैलेंट वो एक्वायर करना चाहती है वो कंपनी के इंटरनल एनवायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, इस हायरिंग को आउटसाइड हायरिंग कहती है। जब बाहर के आउटसोर्स से कंपनी अपने रिलेटेड टैलेंट को एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो हायरिंग कैन बी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम आउटसाइड। आजकल कंपनी मैक्सिमम कोशिश में लगी है कि हमारी जो हायरिंग है उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी के इंटरनल स्टाफ से ही हो जाए, क्योंकि बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग करना कंपनी का एक अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग, बहुत कॉस्ट रिलेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें इंटरनल हायरिंग और आउटसाइड हायरिंग दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। पहला रोल आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रोल की बात करते हैं, अट्रैक्शन एंड सिलेक्शन। अभी हायरिंग का मतलब था रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की बात आता है सिलेक्शन। When hiring an external candidate, attraction and selection the right person, attracting and selecting the right person is crucial. It is HR role to maintain a good selection ratio. भाई जब हम बात करते हैं attraction और selection role की, तो ये कब possible है, जब company decide कर रही थी कि hiring outside से होगी, inside नहीं हो पा रही है, तो outside से we will attract and select the people. इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल कैंडिडेट अट्रैक्टिंग टू सेलेक्ट द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को अट्रैक्ट करना है सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं बट सेलेक्ट बहुत क्रूशियल और राइट पर्सन को ही किया जाता है, जो अपने आप में क्रूशियल पॉइंट है। सेलेक्शन रेशियो इज रिक्रूटमेंट मैट्रिक दैट रिफर्स द नंबर ऑफ हायर कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहां पर बेसिकली रिक्रूटमेंट मैट्रिक को फॉलो किया जाता है, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए कितने भी लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या रेशियो निकालना होता है, नंबर ऑफ हायर कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। जितने लोग आपने हायर करे हैं और जितने लोगों ने अप्लाई किया था, जब हम उन लोगों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिक्रूटमेंट मेरिट सामने आ जाती है। इसके अलावा इट इज अप टू एचआर टू मेक श्योर दैट सफिशिएंट कैंडिडेट आर अट्रैक्टेड एंड द राइट पीपल आर हायर। और ये एचआर का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ये देखना कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, और जो राइट पर्सन है वो ही सिलेक्टेड हो। लोगों को अट्रैक्ट करना इज अ फुल नंबर ऑफ गैदरिंग। सफिशिएंट नंबर अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो आप सही बंदा नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप पहले से चुनिंदा लोगों को ही सिलेक्ट करके ले आएंगे तो ऐसी हायरिंग आउटसाइड करने का फायदा नहीं होता। तो आपको ये फोकस करना है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड एंड द राइट पर्सन इज सेलेक्टेड, जिसको हम कहते हैं अट्रैक्शन एंड सिलेक्शन। आई होप इस रोल को हम समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय टेस्टिंग, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की, टू टेस्ट हाउ सस्टेनेबल सुटेबल कैंडिडेट्स आर फॉर अ जॉब। एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग का मतलब ये होता है जब हम ये टेस्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया है वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना सुटेबल है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट इज ऑफन आउटसोर्स टू प्रोफेशनल टेस्टिंग प्रोवाइडर, द प्रोसेस शुड बी मैनेज बाय एचआर। व्हाई वेंडर्स विल ट्राई टू सेल ऑल काइंड ऑफ असेसमेंट, साइंटिफिक लिटरेचर शोज दैट ओनली अ फ्यू आर ट्रूली इफेक्टिव। दिस इंक्लूड्स आईक्यू टेस्ट, वर्क टेस्ट, कंसाइजनेस टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड असेसमेंट बाय कलीग्स। You will find a brief overview of these measures below. For overview, click. Basically, यहाँ पर आपको बताया गया है कि employment testing एक important responsibility है HR की, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी candidate आपने hire किया है, select किया है, वो job के लिए कितना suitable है। वो main काम HR का ही होता है, उसको manage करना। अब वो किसके द्वारा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब चीजों को सेलेक्ट करते हैं या फिर हमें अट्रैक्ट करते हैं जब हम चीजें लेने जाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो हैं वो वाकई में हुई हो जो हम ढूंढ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम लोगों को सिलेक्ट तो कर लेते हैं बट वो जॉब के लिए कितना पर्टिकुलर है वो एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में पता चलता है। उसका कॉन्शियसनेस टेस्ट किया जाता है, आईक्यू को चेक किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद जाकर आप फाइनल कर पाते हैं कि हाउ मच दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट।
that one suitable. People can be suitable, मगर हमें best person, right person, right job के लिए चाहिए. तो उसके लिए employment testing भी एक goal होता है HR. Next हम discuss करते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ IQ test, work sample test, conscientious assessment, structured interview, unstructured interview, peer rating मतलब जो साथ के लोग हैं उनकी rating दी जाती है, reference को check किया जाता है. तो इसके बिहार पर हम उसकी performance को predict कर सकते हैं. Next जो role होता है वो होता है formal performance appraisal का. वो क्या होता है? Employees are tested to make sure that they will perform to the best of their ability. Performance appraisal is also called as performance review or evaluation is a method to evaluate the job performance of the employee. In most of the company, this is an annual or biannual thing. ये भी एक HR का important role है कि वो employees की performance का appraisal करें, या फिर इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है performance को evaluate करना. ये basically बहुत सारी company में annual event होता है साल के अंत में, या biannual event होता है जिसमें बीच बीच में जो भी एम्प्लॉय आपने हायर किया है आपको ये चेक करना है कि क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज को शो कर पा रहा है अपनी परफॉर्मेंस में या नहीं कर पा रहा है. तो उसको टेस्ट करना भी इज वन ऑफ द रोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एचआर. दीज अप्रेजल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर, एनहांस द एम्प्लॉयज फोकस, हेल्प इन सेटिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल गोल, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग नीड्स. अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है समय समय पर तो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप हो सकता है. आगे चल के उनकी परफॉर्मेंस जो है, गोल सेटिंग जो है, वो भी अच्छी हो सकती है. ऑल्दो द परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल इज समथिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज आर अनहैप्पी विद, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं उससे अनहैप्पी भी होते हैं कि परफॉर्मेंस कोई काम अच्छा कर रहा है बट कई बार ऐसा होता है चीजों की वजह से, फैक्टर्स की वजह से, कंडीशन की वजह से, तो वो उस चीज से इतना इफेक्टिव या खुश नहीं रहते हैं. बट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एचआर टू बेसिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज. नेक्स्ट की बात करते हैं कंपनसेशन एंड कंटिजेंट पे. ये भी ऑब्वियसली बात है, इफ द पर्सन इज गिविंग टाइम, इफ द पर्सन इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, तो इट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एचआर टू कंपनसेट. कंपनसेशन देना भी एचआर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. फेयर कंपनसेशन इज अ की ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रोल. एचआरएम का इम्पॉर्टेंट रोल है ये फेयर कंपनसेशन. वर्क इज नॉट डन फॉर फ्री, सिंपल सी बात है, नोबडी विल वर्क फॉर फ्री. कंपनसेशन दैट इज सीन इज फेयर विल मोटिवेट एम्प्लॉयज टू डू द बेस्ट एंड टू स्टे विद द कंपनी. तो बेसिकली अगर लोगों को कंपनसेट किया जाता है तो लोगों का एक प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है कि हम लंबे समय तक कंपनी से जुड़कर काम करें. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं काम कर रहे हैं, आपने कुछ समय वहां पर दिया बट जैसे ही आपको लगा कि यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी पे और कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी, तो आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है. यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट बिकॉज यू डोंट वांट टू वर्क फॉर फ्री. इवन एनीबडी, नोबडी विल वांट टू वर्क फॉर फ्री. तो कंपनसेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है एचआर का. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रोल की बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट मैनेजमेंट सिपी फॉर स्टाइल से. एम्प्लॉयज वर्क फॉर द फॉर मोर जस्ट देन जस्ट पे, क्रिएटिंग राइट बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज क्रूशियल इन रिटेनिंग द की टैलेंट. यहां पर मेरा एक बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझनी है कि एम्प्लॉयज ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में काम नहीं करना चाहता, ऐसा तो मतलब ऑब्वियस है फ्री में तो कोई भी काम नहीं करेगा, मगर केवल और केवल सैलरी या कंपनसेशन के लिए भी लोग काम नहीं करते हैं. दे ऑल्सो वर्क फॉर देयर बेटर. तो ये भी एक रोल है एम्प्लॉय बेनिफिट का जो एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट है लोगों के अंदर टैलेंट को रिटेन करने के लिए. हाउएवर द राइट बेनिफिट माइंड कॉमन बेनिफिट्स आर एक्स्ट्रा हॉलीडे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर बजट. द इजिएस्ट वे टू सेलेक्ट द राइट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज टू जस्ट आस्क देम. सम एम्प्लॉयज गैदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अदर लुक फॉर एक्स्ट्रा पेंशन प्लान्स, थर्ड ग्रुप दे वांट कंपनी ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड केयर. तो आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए सोचना है. और कई कंपनीज क्या करती है कि डायरेक्टली एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं कि बताइए भाई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट की किस चीज की रिक्वायरमेंट है. कुछ लोग पेंशन के बारे में रिक्वायरमेंट डालते हैं, कुछ लोग अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं कि भाई पे के साथ साथ ये भी हमें मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई चाइल्ड केयर उससे रिलेटेड बजट हमको मिलता रहे. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करना भी एचआर का रोल होता है.
Next is, if you move to the next role is promotion roles. In line with hiring within, setting rules for promotion is also one of the responsibility of HR. Promotions are usually based on merit or seniority, are a part of effective succession planning. It is to HR to put up in place procedure that enable internal movement of talent through promotion. ये भी बहुत important role है कि promotions rules को set up कर. Promotion को हर एक company में होना ही है. But what are the rules behind the promotion? Who is going to be promoted? How on what basis the person is going to be promoted? इसको decide करना, इसको set up करना भी HR का important role है. क्या वो अपनी performance के आधार पर promote होगा? क्या वो अपनी seniority के level पर promote होगा? इन rules को decide करना भी HR का एक important role होता है. Next is यहाँ पर कुछ key roles हैं जो हम पढ़ रहे हैं. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नोट्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो करें. इस इमेज के जरिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक लेआउट दिखा सकूं इन रोल्स का. नेक्स्ट रोल जल्दी से डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स, आल्सो कॉल्ड क्वालिटी सर्कल्स. एचआर का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको नाम दिया जाता है क्वालिटी सर्कल. की फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर is responsible for solving the problem of the employees. He work place में किसी तरह की problem को force ना करे. These groups of employees are actively involved in problem solving. Volunteers होते हैं जिसकी इच्छा है उस group को join कर सकता है और कोशिश करते हैं कि वो week में, महीने में एक बार लोगों से discuss करें और problem किसी भी तरह की उनके बीच में ना आए. Next is total quality management, जो आप सबने पढ़ा भी है. Total quality management is one of the role of HR. कि कंपनी से संबंधित कहीं भी आपको क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. यू हैव टू फोकस ऑन टोटल ऑल ओवर मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग. HR has a central place in sharing information with employees. This can be by keeping everyone updated. Also entails work safety procedures, अनाउंसमेंट ऑफ ले ऑफ, मर्जर्स, एक्विजिशन और एनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ये भी एचआर का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो लोगों को अपडेटेड रखे, इन्फॉर्म रखे. कोई एक्विजिशन होने जा रहा है, कोई मर्जर होने जा रहा है, कोई नए चेंजेस कंपनी में आ रहे हैं, कुछ नए फॉलोअप्स आप कर रहे हैं, तो ये एचआर का ही रोल होता है बेटा कि वो अपने एम्प्लॉयज को इस चीज पे इन्फॉर्म रखें, अपडेटेड रखें. ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन. ये भी आपको मैं इंडिविजुअली भी इसको पढ़ाऊंगी, मगर इसको अगर हम जनरली रोल में बात करें तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ एचआर टू डिजाइन द जॉब, टू एनालाइज द जॉब. जॉब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जॉब से रिलेटेड जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आपको सेटअप करनी है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मैनेजर की पोस्ट निकाली तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजर की क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिजाइन करना. जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है उसको एनालाइज करना कि हाउ अप टू व्हाट एक्सटेंट द पर्सन विल बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस वर्क. जॉब एनरिचमेंट भी इसी का ही पार्ट होता है. एनलार्जमेंट या एनरिचमेंट इसको कहा जाता है. नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ एचआर टू बेसिकली फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन डिफरेंट टास्क. ऐसा नहीं कि एक ही काम में आपने लोगों को लगा दिया, अलग अलग टास्क में उनको आपको मूव करना है जिससे कि वो वर्सेटाइल लेवल पर परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट इज एटीट्यूड सर्वे. एटीट्यूड सर्वे बेसिकली अ टाइप ऑफ फीडबैक होता है, एंगल सर्वे होता है जिसमें एचआर पूरी कोशिश करता है कि एटीट्यूड सर्वे करे, देखे कि भाई किस किस तरह की प्रॉब्लम को कोई एम्प्लॉय फेस नहीं कर रहा है, किस टाइप के एटीट्यूड के साथ वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ग्रेवियंस प्रोसीजर. ग्रेवियंस दैट हैव नेवर बीन अ रिलेवेंट शोज. बेसिकली ग्रेवियंस प्रोसीजर हैंडलिंग, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट है तो ग्रेवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है कि कंपनी से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो ग्रेवियंस को बेसिकली सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की है. एंड द वेरी लास्ट रोल इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली होते हैं मतभेद. मैं ये चाहती हूँ, आप ये चाहते हैं, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. हम दोनों एक चीज नहीं चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतभेद होगा जिससे मतभेद बढ़ जाते हैं और एनवायरमेंट उस हिसाब से नॉर्मल नहीं रह पाता.
तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, उनका रेजोल्यूशन हो, लोग आपस में चीजों को क्लियर कर लें, तो ये भी जो रोल है वो एचआर का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने ये कोशिश करी है कि रोल्स को आप ब्रीफली मैं आपको समझा पाऊँ। इसके अलावा इस कंटेंट के सारे नोट्स इस वीडियो के लिंक में अटैच है, जिससे वर्ड टू वर्ड आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, और ऑडियो में इश्यू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने और कंटेंट